पावे। माँ अभी क्या कह रही है? वसु माँ बिल्कुल सही कह रही है, विजय चाचू को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यंगत तो बिल्कुल पगला गया। विजय तो प्रभात भैया को अपना देवता मानता था, देवता कोई अपने देवता का खून कैसे कर सकता है भला? और ये भाभी को भी अचानक क्या हो गया? दीदी पक्का भैया को फंसाया जा रहा है, ये सब उनके खिलाफ साजिश है। भाभी भाभी आप क्या कह रही हैं? विधायक जी ऐसा क्यों करेंगे? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। बताओ विजय क्यों किया तुमने ऐसा? भाभी आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है कि हमारी घर की बात है ना, हम घर में जाके सब कुछ सुलझा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब आप लोग जाइए, ये अब आपके घर का मामला नहीं है। सही गलत का फैसला अब अदालत में होगा। हमें अपना काम करने दीजिए। हवलदार हथकड़ी लगाओ इन्हें। हवलदार साहब रुकिए, आप गिरफ्तार मत कीजिए इन्हें। भाभी विधायक जी निर्दोष है, आप कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों हैं? भाभी जब तक तुम अपने भैया के कातिलों को सजा नहीं दिलवाओगे तब तक ना ही मैं अपने बाल बांधूंगी और ना ही अपने बाल धोऊंगी। भाभी हम आपसे भीख मांगते हैं, भाभी आप ऐसा मत कीजिए। अब क्यों? बस बस बस। अगर हमारी भाभी माँ ने हमें दोषी मान लिया है तो अदालत चाहे हमें दोषी माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक जी लेकिन ऐसे कैसे? बुलबुल तुम्हें हमारी कसम, बचपन से आज तक हम जब भी कभी घर से बाहर गए हैं तो हमेशा आपका आशीर्वाद लेकर गए हैं। आज जब हम जेल भी जा रहे हैं तो आपका आशीर्वाद लेकर जाएंगे। अगर ये इतना बड़ा नहीं होता ना तो आज हम इसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा देते। चलो निकलो। अरे ऐसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं आप?
प्यार से भी तो समझा सकते हैं। अरे जब भी हो पैसे लौटा तो दिए ना। विजय वो छत से ठीक से देख नहीं पाए थे कि तुम्हारे साथ कौन था। मत कोसो अपने आप को विजय, मत कोसो। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम निष्कपट हो। सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम हैं आपके साथ, हमेशा रहेंगे, आप पर पूरा भरोसा है। बोलो, भाभी का ख्याल रखना। मैं आपको अपना पापा कहते हुए भी शर्म आ रही। आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं पापा? ओ ले 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 ले। इतना गुस्सा थोड़ा बचा के रखो बेटा, घर जाकर अभी तुमको दामाद जी से भी लड़ना है। विजय को तकलीफ में देखकर हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है। चुप रहो, जमाना सुन लेगा ना तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएगा। इतना नाटक करने का जरूरत नहीं है, ये महाभारत भी तुमने ही शुरू किया हुआ है। ये क्या किया आपने माँ?
ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? हम तो बस सच की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई ना ही साधना भाभी से और ना ही इस दुनिया से, हमारी लड़ाई आपसे है। आपके होते हुए भी विधायक जी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है माँ? आपका आशीर्वाद समझकर विधायक जी के नाम का सिंदूर हमने अपने माथे पर लगाया था, अब उनकी रक्षा भी आप ही को करनी होगी। अगर आप शक्ति हैं, तो हम भी आप ही की बेटी हैं, आप ही का अंश है। हमें आपकी सौगंध देवी हूँ। इन 9 दिनों में हम अपने विधायक जी को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। उन पर लगा हुआ हर इल्जाम, हर दाग हम मिटा देंगे। इन 9 दिनों में हम आपको रोज नए वैद्य चढ़ाएंगे, रोज आपकी पूजा करेंगे। लेकिन जब तक हमारे विधायक जी बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, हम ना ही पानी की एक बूंद पिएंगे और ना ही अन्न का एक दाना खाएंगे। आपको हमारा सुहाग लौटाना ही होगा। वर्दी वाले पे हाथ तो उठा दियो तुम, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। याद रखना काबू लेते तेरे को, पिछला हिसाब किताब सब बराबर कर देंगे। पिछले बार तो बच गया था हमारे चंगुल से, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। बूर का रहा है बे। पकड़ा गया क्या? ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हाथ उठाओगे तुम? इतनी धाराएं लगाएंगे ना सौगात में तुम्हारे ऊपर कि घसते रह जाओगे जिंदगी भर। हुकुम नारायण के थाने आए हो ना, लाठ झूठा हो भूसा खाने का आदत डाल लो। बेशरम आदमी, अपनी साधना भाभी को विधवा बना क्या है? भाभी का नाम लिया तो जवान निकाल देगा। खुद गर्मी बाकी तो रहे अंदर। सोलह गर्मी जो है ना, बर्फ के पार्ट पे लटा के चीखों के साथ निकालेंगे तोरे। हमारी बात सुनो, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हमें इतना मारो कि हम मर जाए। क्योंकि अगर हमारी सांसें चलती नहीं तो भाभी माँ की कसम, हम तुम्हारी सांसों को रोक देंगे। समझे? समझे कि नहीं? अजमा बना है। अकेले? हमें तो लगा कि आप बहुत बड़ा जश्न मना रहे होंगे।
विधायक जी की दोस्ती का अच्छा कर्ज चुकाया आपने। उनकी क्या गलती थी अनंत जी? आपके लिए उन्होंने अपने प्यार को त्याग दिया। आपको दर्द ना हो इसीलिए उन्होंने मंदिरा जी और अपने अतीत की बातें आपसे छुपा कर रखी। इतनी सी बात की आपने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। भाभी हम आपसे भाभी मत कहिए हमें। हमें भाभी कहने का हक आपने उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने विधायक जी की पीठ पर वार किया। आपको बदला लेना था ना तो डंके की चोट पर लेते, आमने सामने की लड़ाई लड़ते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक कायर, एक बुजदिल की तरह साधना भाभी की सफेद साड़ी की आड़ में छुपकर विधायक जी पर वार किया। हमें शर्म आती है कि हमने कभी आपको अपना भाई कहा था अनंत जी। आज आप सिर्फ एक दोस्त, सिर्फ एक बहन की नजरों में नहीं गिरे, आज आप अपनी खुद की नजरों में गिर गए। जिस कौशलपुर राजघराने की लोग दुहाइयां देते थे, आज आपने अपनी पुरखों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बस भाभी, बस। हम अपने राजघराने के खिलाफ एक और शब्द भी नहीं सुनेंगे और अपने अल्फाजों को जरा तोल के रखिए। अब आपने हमें गिरा हुआ कह ही दिया है तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम और कितना गिर सकते हैं। कौशलपुर के राजा हैं हम चाहे तो और बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप भी मत भूलिएगा कि हम विधायक जी की अर्धांगिनी हैं। आपको विधायक जी के खिलाफ जितनी साजिशें करनी है ना आप कर लीजिए। एक पतिव्रता पत्नी की ताकत क्या होती है क्या आपको पता चल जाएगा? पतिव्रता पत्नी? जब आपने पहली बार विजय से शादी की थी तो वो बस एक तमाशा था, एक समझौता, ओके? और दूसरी बार जब आपने फेरे लिए थे ना, वो मंदिरा का खेल था। हमारी विधायक जी से शादी किन हालातों में हुई थी उसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि आपको तो पति पत्नी के रिश्ते का मोल ही नहीं पता है, तो उस रिश्ते की ताकत को क्या समझेंगे। हम आपसे दोबारा कह रहे हैं अनंत जी, दोस्ती का गला घोटने के लिए एक दोष शायद आपको माफ भी कर दे, लेकिन एक अर्धांगिनी के सिंदूर के लिए खतरा मत बनिए, जलकर राख हो जाएंगे। तुमने हमें क्या बना दिया विजय? हमारी इस हालत के सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। हे भगवान, मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं चाहता। जी करता है कि काली पहाड़ी से चलांग लगा के जान दे दूं मैं अपनी। अरे गायत्री, ऐसा मत कहो। तुम ऐसे टूट गई तो साधना भाभी को कौन संभालेगा? तो क्या करूं रेशम जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है क्या झूठ। अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया।